आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। नाज़रीन, कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हदूद में 24 अप्रैल को सोहेल नामी एक 16 साला लड़के की कत्ल की वारदात पेश आई थी। इस कत्ल के मामले में दीपक कुमार नामी एक नौजवान ने कत्ल करने वाले खातिलों के बारे में कुछ सच्चाई बताई है। खातिल कत्ल करते वक्त सोहेल को मुसलमान होने की वजह से बार बार मार रहे थे, ये कहना दीपक कुमार का है। आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात। जी, ईद के दिन मैं सोहेल जा रहे थे, पुलिस वाले गाड़ी पकड़े। कहाँ पर पकड़े? ये कमले कने, जियागोड़ा कमले कने। जियागोड़ा कमले पर पुलिस वाले गाड़ी पकड़े। गाड़ी की नंबर प्लेट पीछे की नहीं थी, बल्कि गाड़ी पकड़े, पीएस को ले गए। फिर मैं सोहेल पीएस को गए, डॉक्यूमेंट्स ले लिए, गाड़ी वापस लेने। रात में 8:30-9 बजे के टाइम पे तो गए, तो पुलिस वाले सुबह में आओ बोले 11 बजे। तो ठीक है बोल के सोहेल को छोड़ने आसिफ नगर, ये कमले के पीछे के पंप का नहीं गए, बॉटल ले गए, पंप लिंग पेट्रोल लिंग है, गाड़ी में डाल के सोहेल को छोड़ने गए। पंप बंद था, वो पंप देख के रिटर्न आ रहे थे कमलेगंज से, ये इनके तीन जने रस्ते रोके लोगों गैंग में से। कौन लोग थे वो? योगेश जो किडनैप करे सर। पहले तो तीन जने आके रास्ता रोके, साइड में ले ले गए, बात कर लेते इस विषय, गले मिल लेते ईद का हो। वहाँ पर पाँच जने ऑलरेडी थे ना, ये फैजान का जिक्र करें, फैजान को पहचानते क्या ये वो? हाँ पहचान तुम बोला। कुछ गाड़ी का जिक्र करें, हाँ कुछ मेरे को मालूम है, वो गाड़ी उनकी लेके गए बोल के बोले। ठीक है उनका घर मेरे को मालूम है, मैं उनको घटाता हूँ बोल के बोला। बाद में ठीक है फिर घर बताओ बोल के गाड़ी पर बिठा लिए। फिर उसके घर को लेके जाने का, ये पुराना पुल ले गए ताड़बन के साइड पर। फिर वहाँ पर रात भर बंदी है, बंदे के मारना शुरू करे वहाँ से। तुम लोग पूछे नहीं उसको कि क्यों मारा भाई हमारे ऊपर से? उल्ला उसके संगत फैजान के संगत मिले हुए समझ रहे हो ना, समझ के क्या बोलते मार रहे हो ना मार रहे हम ना नहीं थे नहीं थे बोले तो भी मारना नहीं रोके ना। अगले दिन फिर कंटिन्यू मार रहे हो ना। अगले दिन 3:30 बजे के टाइम पे फोन करे घरों पे दोनों के, मेरे घर पे सोहेल के घर पे फोन करे, फोन उल्लाइज घर पे। नाम क्या है उनका? योगेश उल्ला, मतलब योगेश लोग। हाँ 10-12 जने थे नाम टोटल, घर पे पैसे भेजाओ बोल के। पर किस चीज के पैसे मिले आपके? हम लोगों को छोड़ने का, अगर पैसे उन लोगों को डाले तो छोड़ते गए थे ना, बच्चों को तुम्हारे छोड़ते अगर पैसे डालते बोल के पैसों की डिमांड कर रहे थे। आपके सामने कर रहे डिमांड? हाँ फोन क्या करे उन्होंने? हमें बात ना फोन मिला, मैं नंबर बोला, घर वालों को बात कराओ बोल के बोले, घर वालों के ऊपर बात कराओ बोले। तो आप मम्मी से बात कर रहे हैं? मैं बात करने लगा, वजह नको बोले, बोलो बोले खाली पैसे मंगाओ बोले, जी पे कराओ बोले। तो घर वाले नहीं करा वो मोमेंट पे। सोहेल भी करा घर वालों के साथ? हाँ सोहेल को भी करने लगा है, मेरे को भी करने लगा है, दोनों के घर पे फोन करने लगा है। तो दोनों के घर वाले भी नहीं दिए पैसे? नहीं दिए वो लोग? नहीं दिए घर वाले। तो जब क्या करे आपके साथ? पैसे नहीं मिले बोल के ना, और खुन्नस में दूसरी जगह लेके आके ना, तीन जगह जगह चेंज करे ना, 3 से 4 जगह चेंज करके मारे ना बंद लेके। आपको याद है वो कमले में से? तो रात को 10-10:30 बजे के टाइम पे पुराना पुल ले गए ताड़बन करें, फिर वहाँ पे 3 बजे तक मारे। किसका घर था वहाँ पर? वहाँ पर घर किसका भी नहीं था, वहाँ चौल थी, वहाँ पे खुला एरिया था, वहाँ पे रोड के करीब में कोई लोग नहीं थे? नहीं वहाँ पे कुछ लोग नहीं थे, वहाँ पे सन्नाटा था, वहाँ पे कब्रिस्तान में अंदर ले आके सुबह के 7 बजे तक वहाँ पे टॉर्चर करे, वहाँ पे मारे लकड़ियों से। फिर 7 बजे ये मारते टाइम कितने लोग थे वहाँ पर? थे 8-10 तने तो थे मोमेंट पे, वो 10 मेंबर मिलके मार रहे थे। 5 जने सोहेल को, 5 जने में वो सिर्फ टॉर्चर कर रहे, मार रहे लटों से, लकड़ियों से, पत्थरों से, कुंदर रहे मार रहे। बहुत पैसे दो बोलता? हाँ नहीं पहले मारे, बिना रीजन मार रहे सिर्फ। फिर वहाँ 7 बजे सुबह में पटेल होटल करने लेके गए, पटेल होटल करने लेके गए। फिर वहाँ पर भी क्या बोलते वही टॉर्चर चलना शुरू हुआ। 3:30-3 बजे के टाइम पे फ़ोन करे नहीं देने से 6-7 बजे तक दूसरी जगह फिर चेंज करे, ये कुलसुमपुरा कैसे आ रहा
शहर के हाउसेस है कुछ। हाँ वहाँ पे तो कितने के ब्लॉक है वहाँ पे? फिफ्थ फ्लोर पे। वहाँ पे कितने बजे लगे? 6-7 बजे सुबह। सुबह का टाइम सुबह 6-7 बजे पटेल होटल का नहीं गए। हाँ। पटेल होटल का नहीं, शाम के 6-7 बजे तक वहाँ पे रखे पटेल होटल के पास। हाँ तो फिर शाम में 6-7 बजे के टाइम पे सुबह से शाम तक रखे पटेल होटल का ना। हाँ तो आप लोग किसी को आवाज नहीं दिए भाई हमें ऐसा सकना है? वो मंदिर के बाजू का वो दशहरे को पूजा करने का तालाब के सर का खुला एरिया है वहाँ पे, धोबी घाट के सर का। वहाँ पे नहीं रहते, वहाँ पे जंगल एरिया कुछ रहता वहाँ पे। तुम लोगों के फोन कहाँ थे? उन लोगों ने उन्होंने छीन लिए थे फोन। हाँ हम दोनों के फोन, मेरी गाड़ी के चाबी उन्होंने खींच लिए थे। तो जब कुछ केसीआर के घरों पे ले गए। हाँ फिर मारे आप लोगों को वहाँ पे? बंदे थे वहाँ पे जाते के टेरिस पे, वहाँ बनने का कुछ सिस्टम है। वहाँ पे हर करी केसीआर घर खाली है? नहीं वहाँ पे है आबादी, वहाँ पे लोग हैं। पर वॉचमैन नहीं रोका आप लोगों को? नहीं वहाँ पे वॉचमैन नहीं था वहाँ पे, दोस्तों के सरकार ले गया वहाँ पे, किसको भी शक होने नहीं दिया। चीफ ने हमारे कुछ पुकारे नहीं? नहीं वहाँ पे क्या बोलते वो मूवमेंट तो ना करने नहीं दिया, ऊपर ले गए। यहाँ तक के उनके वेपन आते, पहली बात तो वेपन में क्या था उनका? चाकू आते सब जनों का नहीं, यहाँ पे पूरा गर्दन गए चरपटे मारे सुन ला। अच्छा जी, वेपन लगा के ऊपर फिफ्थ फ्लोर पे ले गए। हाँ जी वहाँ पे क्या करे? वहाँ पे क्या बोलते बंदी है वहाँ पे, बंदी है। हाँ अब बनने के बाद 6-8 बजे के टाइम पे सोहेल को बियर के शीशे से मारे। कहाँ पर मारे उसको? सिर पे। सर पे बियर का शीशा फोड़े उसको? सिर पे मारते कि उन्हें वही जान छोड़ना शुरू कर दिया। वहाँ पे फिर उन्हें गायब, उन्हें 10 बजे तक 11 बजे तक उन्हें फरार हो गया, उन्हें मार के लोग चल गए। हाँ फरार हो गए। हमारे को सुनने में आया कि सोहेल को नाम पूछने के पर मारे। और उसको नाम पे क्या बोलते पटेल होटल का नहीं, उन्हें एक जाने को हिंट दिया था उन्होंने ना हमारे को टॉर्चर कर रहे ऐसा बोल के, तो वहाँ पे से वो खुन्ना से वहाँ पे से तो ले लेके चले गए वहाँ। जो अभी मैं स्टेटमेंट दिया ना, स्टेटमेंट में अभी जो मैं ना स्टेटमेंट में अभी बहुत कुछ मैं नहीं बोला, मेरे को अर्धा मोमेंट मेरे को अभी कुछ थोड़ा जितना याद आया मैं उतना बोला। हम लोगों को 2 दिन बन के रखे थे तकरीबन 48 आवर्स, अभी मैं क्या क्या याद करूँ फिलहाल सिर में मेरे वो याद नहीं आ रहा फिलहाल, अभी भी दर्द मेरे वैसी छे जितना मेरे याद आया उतना बोला। अभी इंशाल्लाह बोलते रहूँगा मैं और जो याद आते जाएगा। ये मेरी रिक्वेस्ट है सीपी साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और सीएम साहब से, जो ये प्रेस मीट हुई है ये अभी इसमें बहुत कुछ नहीं बताया गया है और अभी 3 से 4 जने फरार है जिससे जान का धोखा मेरा बने हुआ, एक की तो जान चली गई। मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि फिर से इंक्वायरी जरा सही करिए। शुक्रिया। और उसको मारते वक्त वो मारने के दौरान जब सोहेल को मार रहे थे वो लोग वो कास्ट फीलिंग से मार रहे थे, वो उसको मार रहे थे, उसको जब मार बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो उसके मुंह से अल्लाह बोल के नाम निकल रहा था, वो अल्लाह नको बोल वो अल्लाह नाम सुनते गए और मार रहे थे उन्हें दबा दबा के, पर उसको तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई थी, उन्हें भूल के या जान के ना जान के आवाज़ निकल रही थी, वो अल्लाह बोल रहा था तो वो मार रहे थे, वो कास्ट फीलिंग से भी बहुत मारे ना, हर तरह से टॉर्चर पूछा ना फैमिली मेंटली हर तरह से टॉर्चर पूछा ना, हर एक चीज़ से मारे ना, लकड़ियों से नाटों से, उनका ने वेपना भी थे, उनका ने चाकुआ पूरे जितने भी जने थे उनका ने सबका ने इंडिविजुअल का ने चाकुआ थे वहाँ पे, चाकुओं से भी क्या बोलते चर पड़े सोहेल पे हमला करे, मेरे पे हमला करे, बेफिजूल का ही है, चंद पैसों के लिए बहुत टॉर्चर कर लेना, बस हम लोग इंसाफ चाहते हैं और कुछ नहीं, बस होम मिनिस्टर से सीएम साहब से खाली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे को बस इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। वहाँ पे तो वहाँ पे कह को बोला वहाँ पे बोलने की कोशिश क्यों करा वहाँ पे? नहीं दीपक हमारे ऐसा न्यूज आई कि सोहेल मुस्लिम पर्सन है जी, हाँ तो उसको उस वजह से ज्यादा खुन्नस से मारे उसे। बोलना वो टाइम पे मारते वक्त गांजा पी रहे थे, इंजेक्शना मार रहे थे, बियाराम पी रहे थे, हर तरह के नशे कर रहे थे, वो नशे में हर उसके फैमिली के ऊपर भी टारगेट करे, उसके रिलीजन के ऊपर भी टारगेट करे, हर मेंटली भी टारगेट करे और उसको फिजिकली भी टारगेट कर ले दोनों को भी ऐसा कर। तो वहां पर से मार के वो लोग भाग गए, यहाँ तक कि उन लोगों को 2 दिन से पेट में खाना नहीं था, पानी पूछे तो पेट्रोल पिलाया उन्होंने। आप दोनों को पेट्रोल पिलाया? पेट्रोल पिलाया उन्होंने आधे बॉटल दोनों को, पेट्रोल पी लिया था जी। फिर सोहेल को मारे बाद वो लोग फरार हो गए वहाँ पे। हाँ तो आप लोगों को कौन ढूंढे थे वहाँ पर? वहाँ पे 10-11-12 बजे के टाइम पे जाते गए, वहाँ पे 3 बजे बिल्डिंग पे एक जने आते गए, पूरे बिल्डिंग वालों को जमा करे उन्होंने,
पूरे बिल्डिंग वाले 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे 100 डायल करे, 100 डायल करे, ऑफिसर आए, ऑफिसर आते ही घर वालों को इन्फॉर्म करे, फिर दोनों को हॉस्पिटल को ले जाएगा। तो आपके पेरेंट्स आने से पहले पुलिस वाले हॉस्पिटल ले गए या आपके पेरेंट्स? नहीं नहीं, पेरेंट्स आने के बाद, पेरेंट्स आने के, हाँ मैं जब होश में था, मैं जब, आपके पेरेंट्स का नंबर आप दिए? हाँ मैं दिया, मैं मम्मी का नंबर दिया था। तो अभी आप क्या चाह रहे फिर? अभी अभी डीसीपी स्टेटमेंट दिए है, डीसीपी रॉन्ग स्टेटमेंट दिए है, आपसे पुलिस वाले स्टेटमेंट लिए? मेरे से स्टेटमेंट लिए पर उनका बिहेवियर सही नहीं था, उन्होंने सही लिए नहीं, उन्होंने उनका स्टेटमेंट भी गलत था उनका, उन्होंने एम्बुलेंस में लेके जाने की बात करे पर एम्बुलेंस मैंने सोहेल को हमारे मम्मी अम्मी लेके गए थे ऑटो में। ऑटो में ले गए आपको? हाँ हमें, हमारे आप लोगों को ऑटो में ले गए? जी जी। तो अभी वो कितने पर्सन थे टोटल पूरे? जी उन्हें 10 जने थे, उन्हें 10 मेंबर्स थे उन्हें। तो अभी डीसीपी साहब ने बताया कि 6 आदमी गिरफ्तार हो गए, एक फरार है बोल रहे हैं जी, तो ये फिर उन्होंने सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं? जी उन्होंने पकड़े तो सही पर अभी फरार है। कितने लोग फरार है अभी? 3 से 4 जन मेरे हिसाब से, तो 3 से 4 जने जो मैं शकरान देखा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आप अभी क्या चाह रहे हैं, आप कमिश्नर साहब से क्या चाह रहे हैं, अपने सीएम साहब से क्या चाह रहे हैं, आप क्या इंसाफ चाहिए? जी मैं तो इंसाफ चाह रहा हूँ, सिर्फ हमारा कुछ कसूर नहीं था ये, और नहीं तो भी ये क्राइम बहुत बढ़ते जा रही है, ये बाहर निकलना शाम में मुश्किल हो जा रहा है, ये कोई बिना बेवजह का था ये, 2 दिन टॉर्चर करके ये जान लेना एक की बेफिजुल का था ये। मैं देखो रात भर दिन भर मतलब एनी टाइम सोहेल के मामा और सोहेल की अम्मी और मेरी बेटी और मैं रात तमाम ढूंढे, 2 नाइट ढूंढे, फिर उसके बाद में भी नहीं मिला, तो मेरी तबीयत खराब हो गई, देख देख के परेशान होके, फिर जब घर पे गई देखे तो क्या है, फोन आया मेरे को कुसुमपुरा पीएस से फोन आया आते कि मैं वहाँ पे गई, जाने के बाद में वहाँ पे अधमरी हालत में सोहेल पड़ा हुआ है, मेरा बेटा जरा ठहर के था, आते कि मेरे को लपट गया, लेकिन मैं इसको छोड़ दे के मैं सोहेल के पीछे लगी, उसको मैं ऑटो में ले गई, लेकिन कुसुमपुरा पीएस वाले बोल रहे कि मैं एम्बुलेंस लाया, एम्बुलेंस में लेके गए बोल के उन्ना बोल रहे, लेकिन ये बात झूठ है, एम्बुलेंस नहीं आई, कोई भी नहीं आई और कोई हाथ भी नहीं लगाए। 5th फ्लोर से मेरी बेटी और सोहेल के मामा और मैं 3 जने, वो जिंदा लाश है कि मर गया था कि बच्चा, वो मेरे को नहीं मालूम, ठंडा पड़ गया था बच्चा, उसको पूरा लपट के डाल दिए थे टाट पत्री में, तो वहां से वो टाट पत्री निकाल के उसको गोद में लेके आए, जैसा हम लिफ्ट से नीचे लेके आए, एम्बुलेंस आ रही आ रही आ रही बोलते, हमारा को सब्र नहीं हुआ, जाके ऑटो बात करके आए सोहेल के मामा, फिर वो ऑटो में लेके हमारी बच्ची और सोहेल की अम्मी लेके गए, मैं पैदल पैदल गई, तो एक पुलिस वाले बोले वो गाड़ी पे बैठो बोले, तो सोहेल के अब्बा की गाड़ी पे बैठ के मैं गई। तो असल फर्स्ट क्या हुआ बोले तो 3:30 बजे के टाइम मेरे को कॉल आया, तो मम्मी मम्मी मैं बहुत बुरी हालत में फंस गया। कौन सी हालत में फंस गया तू, मेरे को बोल बोल के मैं बोली, बोले तो उन्होंने बोला नहीं मम्मी तू खाली मेरे को 2,000 रुपये डाल, मैं तेरे सामने आता हूँ। देखो कौन से 2,000 रुपये होना, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, और तू कहाँ है बोल, मैं हाथ में ला के देती पैसे, मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, और लोकेशन भेजाओ वहाँ पे, कौन तो भी है तो बाजू में बात करा, जब भरोसा आता बोल के बोली। तो ना बात नहीं कराए, कुछ भी नहीं कराए, उसके बाद में फिर गूगल पे फोन पे करो बोल के बोले, तो मैं बोली गूगल पे फोन पे मेरे को वो सब नहीं आता, मैं पढ़ी लिखी नहीं होती बोल के मैं बोली। बोलने के बाद में फिर उन्ना क्या करे मालूम, और इन्हों क्या बोला, फोन करते जा रहा तो मेरे भाई को मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लगाई, हमारी भाषा में बात करे हम मराठी में, तो फिर ना फोन करते ही जा रहे तो मैं काम पे थी, मेरे को समझ में नहीं आया मैं क्या बात करूं, कुछ भी समझ में नहीं आया था, मेरे हाथा पैरा कांप रहे थे, क्या करा कि मेरा बच्चा एक्सीडेंट करा कि, उन्होंने क्या बोले मेरे गाड़ी डैमेज कर दिए और इतने पैसे लगते, और वो रिकॉर्डिंग पूरी है मेरे पास, पूरी पूरी रिकॉर्डिंग है, उन्होंने से बात करे सो। फिर उसके बाद में मेरे को डाउट आया, फोन स्विच ऑफ हो गया, डाउट आया क्या हुआ कि बच्चे के साथ बोल के, मैं क्या करी सीधा सोहेल के घर को फोन करी, सोहेल के साथ हमारा रिलेशन अच्छा था, सोहेल हमारे घर को आता था, हमारा बेटा उनके घर को जाता। दीपक मेरा भांजा है, सोहेल उनके दोस्त है। हफ्ते के दिन मेरे बहन का मेरे को कॉल आया 2 बजे के टाइम पे, हफ्ते के दिन ईद थी, रमजान की ईद थी, वो छुट्टी में था, हमारे बहन का मेरे को कॉल आया, दीपक फोन करके पैसे मांग रहा 2,000, एक्सीडेंट हुआ गाड़ी का बोल के, तो मैं पूछा
वीडियो कॉल करके आप देखो कहाँ एक्सीडेंट हुआ, कौन से पीएस में एक्सीडेंट हुआ, जाएंगे आप वहाँ पीएस में जाकर सर से बात करेंगे, गाड़ी छुड़ा के लिए कहेंगे। बोल के हमारे बहन को मैं बोला फ़ोन करके, मेरे बहन मेरे को फ़ोन करे थे, फिर बाद में मैं दीपक को फ़ोन करा, दीपक का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। ये बात है हफ्ते के दिन की, ईद के दिन की बात है। संडे के दिन हमारे बहन हमारे घर को आए यहाँ पे, संडे के दिन हमारे बहन हमारे घर को आए, हमारे बहन हमारी भांजी हर सोहेल के मामू तीन जने मिल के गोलगंडा खिला जलपली में। हमारा एक डबल बेडरूम है हमारे बहन का, वहाँ गए पूरा रात भर, तीन बजे तक ढूंढे नहीं मिले। सुबह में कॉल आया कि दीपक और सोहेल को किडनैप करके मारे, दोनों भी बहुत सीरियस है, उसमें ना मैं एडमिट है। जाके देखा तो क्या है, स्वयं दम तोड़ दिए, स्वयं सोहेल का देखा होगा और दीपक इंजर्ड है बहुत बुरी तरह से। मैं सीएम साहब से और होम मिनिस्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि मरहम सोहेल को इंसाफ मिले, हर दीपक को भी इंसाफ मिले, जितने भी गुनहगार है उनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, तेलंगाना स्टेट ऑफ सीएम और होम मिनिस्टर साहब से, हैदराबाद एमपी असद साहब से भी मेरी रिक्वेस्ट है। मैं दीपक का मामू हूँ, सोहेल को इंसाफ चाहिए, सोहेल को इंसाफ मिलना चाहिए। सोहेल और दीपक को दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सीएम से अदाबन गुजारिश करता हूँ, होम मिनिस्टर साहब महमूद अली साहब से भी गुजारिश करता हूँ, अदाबन गुजारिश करता हूँ कि दोनों को भी इंसाफ मिलना चाहिए। एक की तो जान चले गई, एक सीरियस है मेरा भांजा, मरहम सोहेल को इंसाफ मिलना चाहिए और दीपक को भी इंसाफ मिलना चाहिए। जितने भी ये केस में इन्वॉल्व है पूरे पकड़े जाने चाहिए। यही गुजारिश है होम मिनिस्टर साहब से, सीएम केसीआर साहब से। आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्त में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहाँ पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पत्थरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पत्थरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुर एक्स रोड, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।